बारे में व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, इतना ही कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं पलटू राम ये वो, मैं कहूँगा पलटू राम कौन है? सही मानो तो पलटू राम वो लोग हैं जो कहते थे कि पगड़ी नहीं उतारूंगा और जब तक कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से ना उतार दूंगा। ये पलटू राम तो वो लोग हैं जो कहते थे कि सब कुछ भी हो जाए नाक रगड़ेंगे लेकिन उनको नहीं दूंगा। हमारे माननीय गृह मंत्री देश के इतने बड़े जाने माने पहचाने हुए और खासकर जिनको कई लोग चाणक्य की संज्ञा देते हैं, उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। अचानक ऐसी क्या मजबूरी थी या वोट बैंक का ख्याल रखा था कि क्या आपको लगा कि शायद अयोध्या का इम्पैक्ट जो है ऑल इंडिया में तीन चार दिन के बाद खत्म हो गया, मीडिया के प्रचार प्रसार के बावजूद अब चुनाव की घड़ी आ गई है, अब वो आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव का हुआ है, उसका आचरण उसका व्यवहार उसका स्टेटमेंट कितना सुलझा हुआ कितना बढ़िया से आज तमाम लोगों का तमाम लोगों की संपत्ति आज तेजस्वी यादव के साथ है। जब उसको मुख्यमंत्री बनाने की घड़ी आई वादे के मुताबिक उसी समय आपने रस्सी खींच ली और उसको आपने खींच लिया और खुद कहीं और चले गए ऐसा लोग कहते हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा और भी किसी का है तो मैं कहूँगा वो है कांग्रेस पार्टी का, खासकर बिहार के मामले में। मैं एज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर बात कर रहा हूँ क्योंकि अब कांग्रेस को जो सीटें बहुत मिल जाएंगी वहाँ पे और वहाँ पे माई कॉम्बिनेशन के साथ साथ माई कॉम्बिनेशन आप समझते हैं बिहार में और खासकर उसके साथ साथ जो ये तेजस्वी यादव का समर्थक होते हैं पार्टी आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर जितना सिंपैथी के साथ जितने एग्रेसिव कैंपेनिंग करेंगे उससे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा